नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने इनका भैंस का वीडियो आपको दिखाया था, भैंस के फार्म का, अब मैं इनके गाय के फार्म का वीडियो दिखाऊंगा। इन्होंने जो पशु गाय के लिए रखा है वो कमर्शियल पर्पज़ से नहीं, लेकिन किस तरह से रखा है, काफ़ी देसी तरीके से इन्होंने रखा है, तो इस चीज़ को हम इस वीडियो में जाने वाले दोस्तों। तो उसके पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। और इस वीडियो में खास ये होने वाली है क्योंकि इनका बहुत बड़ा गाय का फार्म था, लेकिन किस कारण से इन्होंने बंद कर दिया, ये चीज़ भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए मैं ऑनर से बात करता हूँ और पूरी की पूरी डिटेल्स लेता हूँ और कितना शेड, कितना बड़ा है, क्या चीज़, सारी सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में लेंगे। तो आइए ऑनर से बात करते हैं। स्वागत है सर हमारे यूट्यूब चैनल पर जी, और बिल्कुल आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे देंगे। जी, मैं संजय कुमार उपाध्याय जी वाराणसी से बोल रहा हूँ। और सर, जैसा कि मैं आपने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि HF में जो है रोग ज़्यादा होता है, आपने HF भी रखा है, इसके पीछे मुख्य कारण क्या हो सकता है? HF गाय तो हम रखने के बहुत पुराने शौकीन हैं जी। जी, सन 85 84 85 से रखते हैं और हमारे यहाँ 50-60 गाय थी बड़ी में, बच्चे जी, छोड़ के बहुत ज़्यादा तादाद में रखे थे, ऊँचे पैमाने से काम कर रहे थे हम लोग। लेकिन अभी नहीं है, अभी सब बेच खोज के हटा दिए हैं, अभी भैंस का काम करते हैं। तो ये एक पशु हम देख पा रहे हैं आपके पास, अभी ये HF गाय है, हमारी घर की बछिया है। अच्छा, आपकी घर की बछिया है? ये गाय की दी हुई बछिया है घर की। अच्छा, कौन से ब्याह में है ये? ये पहली है, पहली में है। हाँ, अच्छा, इसके बाद अभी इसकी अच्छाई आप जानेंगे जी? बिल्कुल बताइए सर, मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ इस चीज़ को लेकर के। ये ब्याह गई और ब्याहने के बाद हम लोगों को मालूम नहीं पड़ा कि ये गाय भी आ गई। अच्छा अच्छा, यहीं पे बनी हुई थी, बच्चे बच्चा दी और कुत्ता बच्चा खींच ले गए। अच्छा, और ज़मीन को ऐसा चाट दिए कि ऐसे जैसे हो गया एकदम फ्रेश, पता नहीं चला जी, कुत्ते खा गए बच्चे को। तीन दिन बाद जो है कि हम लोग डॉक्टर को बुलाए, डॉक्टर ने हाथ डाला तो पता लगा कि ये तो बच्चा दे दी है। तो हम जानना चाहेंगे सर, इसका दूध कितना है अभी पहली में है? तो ये 16-17 लीटर दूध दे रही थी। अच्छा, अभी दे रही थी, दे रही थी, अभी भी इसमें 12-13 लीटर दूध है। 12 लीटर, 7-8 महीना ब्याह के हो गए। और ये पशु हम देख पा रहे हैं सर, ये क्या? और ये जो है HF का एक क्रॉस है, HF है नहीं। इसका दूध कितना है? इसमें दूध तो कम है, अभी 5-6 लीटर है। इसको ब्याह के हो गया 14-15 महीना। अभी मैं आपको बता रहा था HF गाय का जो दिक्कत है वो ये गाय में देखने को मिल रहा है, रिपीटेशन वाला जी। ये गाय कम से कम 10-15 बार ले चुकी है सीमन। अच्छा, रुकती नहीं है। अब इसको हम खरीद के 20,000 में लाए थे, लेकिन आज इसको हम 5,000 में बेचने के लिए खड़े हैं, कोई लेने के लिए नहीं तैयार है। तो ये सबसे बड़ा डिमेरिट है HF गाय का। अगर ये दूध तोड़ देगी, ये नहीं अगर धनाई, तो इसको मुझे क्या करेंगे, इसको महंगाई के समय बांध के खिलाएंगे इसको? जी बिल्कुल सर, इस तरह तो नुकसान है ना इस तरह। हाँ, से। और ये है बछिया है घर की है। अच्छा, ये कितने दिन की होगी बछिया आपकी? 17-18 महीना। तो इनको आप खाने में क्या देते हैं कि आपको रिपीट क्रॉस हो गई है? क्रॉस हो गई है। अच्छा, क्रॉस हो गई है। ये 17-18 महीने के है। कितने दिन की बताएं सर इसको आप? 17-18 महीने के। एक चीज हम जानना चाहेंगे कि आप इनको क्या खाने में देते हैं कि ये बार बार रिपीटेशन का प्रॉब्लम होता है? इनको देने के लिए हम लोग क्या देंगे भाई, वही चोकर देते हैं, चना का चुनी देते हैं और मक्का देते हैं और मसूर देते हैं, भस्सी जी जी, यही सब देते हैं, थोड़ा पशु आहार वहार देते हैं मिला के। तो इस फार्म का मतलब कि हम सेट जानना चाहेंगे कितना इसका हाइट है? इसका भी वही करीबन मान लीजिए आप, ऐसे तो ये लंबा है लेकिन अभी 30x20 मानिए। 30x20 का है। ये जगह आपने कितना रखा हुआ है सर? ये जगह ये तो होगा, हमको लगता है 7-8 फीट होगा। 7-8 फीट। उसकी नाद की हाइट कितनी आपने रखी है? नाद की हाइट वही होगा 3 फीट, 3.5 फीट, 4 फीट। 3.5 फीट की हाइट है इसमें। अभी इसमें क्या क्या डाला गया है सर? अभी इसमें खरी डाले, यही देख लीजिए, यही है जी, ये पशु आहार है। अच्छा अच्छा,
ये चोकर है, इसमें चूनी भस्सी ये सब मिलाया हुआ है। तो इनके दूधों का भी आप मतलब बिक्री करते हैं? हाँ करते हैं। किस रेट से इनका दूध बिक जाता है? अभी यहाँ घर पे इनका दूध देते हैं, लेने के लिए आते हैं तो 30 रुपये लीटर बिकता है। 30 रुपये लीटर मात्र? हाँ। मतलब कि इनके दूध में नुकसान है। इनके दूध में नुकसान है जी। और खिलाने का खर्चा इनका कितना आ जाता होगा? वही है लगभग लगभग। अभी ये वाली जैसे है तो इसको हम लोग जैसे मान लीजिए ब्याने पे 8 से 10 से राशन देते थे, अभी भी कम से कम इसको 6 से 7 से मतलब 6 किलो 7 किलो खिलाते हैं और 3 किलो 2.5 किलो इसको खिलाते हैं और 3 से 4 किलो इसको खिलाते हैं। गाय शौक से रखते हैं बस खाली। अच्छा अच्छा। इसके लिए कि हम लोग घर पे जो दूध यूज करते हैं ना परिवार में बच्चों के लिए अपने लिए तो गाय का दूध यूज करते हैं। तो उसके लिए तो सर आप देसी में भी रख सकते थे जो कि आपको A2 मिल्क मिलता है। इनको तो वही जान के हमने इसको लिया, वही जान के इसको रख लिया है क्योंकि उनका इसका दूध तगड़ा होता है। इसका दूध तगड़ा होता है, भैंस के जैसा होता है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि सर HF गाय का जो दूध में जहर जैसा मतलब कि तत्व नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि A1 मिल्क होता है और A2 मिल्क जो है हमारा उसमें हाई प्रोटीन होता है। नहीं नहीं HF गाय का दूध ऐसा नहीं है, वो कहने के लिए लोग कहे बात अलग है। हम तो बहुत दिन से अभी जैसे इस क्षेत्र में कोई गाय नहीं रखता था तब से हम गाय रखते। तो आपने HF का बंद क्यों कर दिया, इसके पीछे कुछ कारण हो सकता है? थोड़ा से करने वालों की भी कमी हो गई, बीच में हम लोग भी चले गए थे बाहर जी, तो ये काम ऑटोमेटिक धीरे 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 घर वालों ने कम कर दिया। अच्छा। अब फिर आ गए हैं तो अब फिर जो है अब करना हुआ तो भैंस का काम शुरू किया। अभी ये सब तो घर पे पड़ी है पहले से जी, तो ऐसे है। चलिए इतनी अच्छी जानकारी आपने दी सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।